पापा। क्या हो गया बेटा? दांत में दर्द हो रहा है। मुझे देखने दो, क्या हुआ? इधर आओ, दिखाओ मुझे। जरा अपना मुंह खोलना तो, और थोड़ा बड़ा खोलो। दिखा दिखा मुझे, यही है ना? दिखाओ। जिंक्स की बीवी कल पेपर मिल में आई थी। उसके बच्चे के जन्म पे जो जो लोग नहीं गए थे उनसे झगड़ा कर रही थी वो। मैं तो ऑर्डर में बिजी था तो सोचा भागना ही बेहतर होगा। सच में? मुझे लगता है वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई है। ऐसा क्या? मम्मी, आपको छोटा बेबी कब होगा? तुम क्यों पूछ रहे हो? ये बहुत बोलता है, इसे भगा देते हैं। नहीं। हाँ भगा देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ नहीं। जिंग जी, और कितना काम करोगे? चलो कुछ खा लेते हैं। आप खाओ, मैं खाना खा के आया हूँ। अच्छा, अच्छी बात है। मैं तो भूल ही गया था कि तुम शाकाहारी हो। जब से पेपर मिल खुली है गांव में खुशहाली आ गई है। दूर दूर से व्यापारी यहाँ आ रहे हैं। हम लोग पैसे के लिए आए हैं यहाँ। आप लोगों को पेपर खरीदना है क्या? हम लोग पैसे के लिए आए हैं यहाँ। देने के लिए कुछ लाए हैं? बोला ना, पैसा चाहिए, समझा नहीं क्या? पैसा चाहिए मुझे। अरे रुक जाओ, अरे छोड़ दो मुझे, अरे पति को छोड़ दो। पैसा कहाँ है?
अंगूठों पे कोई चोट नहीं है, छाती पे कोई चोट नहीं है, कंधे कोई चोट नहीं है। चलो पीछे हटो। ये बच्चे किसके हैं? यहाँ मेरे पास आओ। मुझे भी देखना था। घुटनों पे कोई चोट नहीं है, हथेली पे कोई चोट नहीं है, तलवों पे कोई चोट नहीं है, अंदरूनी चोट कोई भी नहीं, यो रौनक ये लीजिए, ये सबसे यहाँ की बदबू चली जाएगी। योर ऑनर, अरे इतना परेशान क्यों लग रहे हो, आराम से बताओ क्या बात हो गई है। योर ऑनर, मैंने पता कर लिया, उन दोनों मरे हुए गुंडों में से एक खतरनाक अपराधी येन डोंगशेंग है। हाँ, येन डोंगशेंग। योर ऑनर, आपको याद होगा ना कि येन डोंगशेंग ने कितने अपराध किए हैं? याद है ना, घिनौने अपराध। हमने उसे गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन 3 दिन तक हिरासत में रहने के बाद वो भाग गया। एक मिनट, तुम्हारा कहने का मतलब है लू शिंग जी ने मजाक मजाक में है यांग डोंगशेंग को मार दिया है? हाँ हाँ, उसने ना सिर्फ पकड़ा बल्कि मार भी दिया है। जी हाँ। इसका मतलब है केस मेरे इलाके में सॉल्व हो गया है। हाँ? अच्छा है, मोगैम्बो खुश हुआ। अच्छा, चलो मुझे फटाफट उस हीरो से मिलवाओ। अच्छा, मुझे सिर्फ मिलना ही नहीं है उससे, उसका धन्यवाद भी करना है यहाँ के जनता और यहाँ की सरकार की तरफ से। हाँ? ए, चलो। लियू जिंगशी कौन है? हमें आ रहा हूँ मैं। गांव वालों, हमने ये केस सॉल्व कर दिया है। ये जो आदमी मरा है ये यांग डोंगशेंग है, ये बहुत ही खतरनाक अपराधी है, इसने बहुत ही खतरनाक अपराध किए हैं। लियू जिंगशी का धन्यवाद, उसी की वजह से इस अपराधी को हमने पकड़ा, उसी की वजह से उसे सजा मिली। मुबारक हो। अरे वाह, क्या बात कर रहे हैं। चलो अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है, बला तो टली यहाँ से।
जुलाई 1917 की रात थी और मुझे तब लियू गांव में भेजा गया था। अपराध की जगह किराने की दुकान। लोग शामिल, एक पेपर बनाने वाला और दो भगोड़े। समझ नहीं आता साधारण पेपर बनाने वाला एक हथियारबंद अपराधी येन डोंगशेंग को कैसे मार सकता है। क्या तुम लोग लियू जिंगसी को जानते हो? उसे तो इस गांव में हर आदमी जानता है। क्या लियू जिंगसी हमेशा से इसी गांव में रहता आया है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या बात कर रहे हो? वो यहाँ पे आया था जब उसकी शादी हो गई थी आयु से। उसने यहाँ आकर लियू नाम रख लिया था। दरअसल वो गोंग परिवार का है, ये उसका असली परिवार है। गोंग हाँ। फेंगजूंग की उम्र बहुत ही कम थी जब उसका बाप उसे छोड़कर चला गया था। आयु ने जिंगसी से शादी की और जैक्शन को जन्म दिया। मैंने एक बार जिंगसी से पूछा था कि आखिर तुम कहाँ के रहने वाले हो। उसने कहा गोंग गांव। उसने कहा कि वो कसाईयों के परिवार से आता है। कसाईयों का परिवार। खून से भरी आंखें ब्रेन हेमरेज की तरफ इशारा करती है। येन के माथे पर एक जोरदार मुक्का लगता है जो कि उसकी मुख्य धमनियों को अंदरूनी चोट पहुंचाता है। ये धमनियां हृदय तक खून पहुंचाने वाली हैं, जिन पर चोट लगने से हार्ट अटैक हुआ और दिल ने धड़कना बंद कर दिया। ऐसे घातक मुक्के के लिए जिसके लगते ही इंसान की जान चली जाए, किसी भी इंसान को खास मार्शल आर्ट आना बहुत जरूरी है। उसका असली गांव जिंगजाओ में है। उसकी बातों में बहुत ही गहराई थी। जिंगजाओ जिंगजी एक अच्छा इंसान है, एक अच्छा आदमी। इंसान इंसान बस एक बुराइयों का पुतला है जिसमें कोई भी अच्छाई नहीं होती है। अच्छाई या बुराई यह हमारे शरीर क्रिया विज्ञान पर निर्भर होती है। शेंगजोंग भावनाओं पर नियंत्रण लाता है और हमसे सहानुभूति दिलाता है, और मेरा शेंगजोंग तो कुछ ज्यादा ही विकसित है। और इसकी वजह से एक बार तो मेरी जान लगभग चली ही गई थी। मैंने एक बच्चे को उसके सौतेले माँ बाप के पास उसे चोरी करते हुए पकड़ा, लेकिन मैंने उसे गिरफ्तार नहीं किया। मैंने इंसानियत के लिए कानून को ताक पर रखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसने हमारे खाने में जहर मिला दिया था। उसके माँ बाप तो तुरंत ही मर गए, लेकिन मैं बच गया कुछ अंदरूनी घावों के साथ। उस दिन मैंने मौत को इतनी करीब से देखा था, लेकिन उस दिन से मेरी अंदरूनी सहानुभूति का तर्क मुझसे अलग हो गया था। उसने मुझे बताया कि इंसानी भावनाओं को कभी भी बदला या वश में किया जा सकता है, इसलिए मैं दो सुइयां इस्तेमाल करता हूँ। एक मेरे शेंगजोंग पे, जो मेरे अंदर के अधिक सहानुभूति को रोकती है, और दूसरी मेरे टेंट्यू पे, जो मेरे अंदर के जहर को फैलने से रोकती है। तुम इंसानियत पे भरोसा नहीं कर सकते। विज्ञान से मैंने पता लगाया कि शरीर क्रिया विज्ञान और कानून कभी गलत नहीं हो सकते। ओह, आप हैं। यहाँ कोई दरवाजा क्यों नहीं? हमें दरवाजों की जरूरत नहीं पड़ती। आप जिंगसी को ढूंढ रहे हैं? वो घर पर नहीं है। नहीं, मैं तो यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। आपकी खांसी के लिए मैं काढ़ा बना देती हूँ। हाँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। कोई बात नहीं, हाँ? बस अभी बन जाएगा। वैसे कल रात मुझे शराब खाने के पहरेदार ने बताया कि जिंगसी इस जगह पर कुछ साल पहले ही आया है। वो शुरुआत से लियू खानदान का नहीं है। ये 5 साल पुरानी बात है। उस वक्त मैं गर्भवती थी और बच्चे का नाम मुझे दस्तावेजों में लिखवाना था।
बस इतना ही। अच्छा, वैसे तुम दोनों कैसे मिले? काफी दिन हो गए इस बात को, अब तो ध्यान भी नहीं है। एक दिन मैं मछली पकड़ने गई थी, उस वक्त उसका उसके परिवार से झगड़ा हो गया था और उसने अपना घर छोड़ दिया। इससे ज्यादा मुझे और कुछ भी पता नहीं। वैसे काफी बड़ा झगड़ा हुआ था क्या? झगड़े तो होते ही रहते हैं। क्या जिंशी तुम्हारे पहले पति के बारे में जानता है? नहीं जानता। मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया ना? उस आदमी ने हमें बस यूं ही छोड़ दिया। उसने कहा था कि वो रात में वापस आएगा, लेकिन उसने हमें छोड़ने का पहले ही मन बना लिया था। हमें छोड़कर वो सब कुछ ले गया। अब क्या ही बोलूं ऐसे धोखेबाज इंसान के लिए। जिंशिन को ऐसे इंसान को जानने की जरूरत नहीं है। कभी कभी जिंशिन भी मुझसे कहता है कि वो रात में वापस आएगा, और ऐसा कहने के लिए मैं उसे मना करती हूँ। मैं बस डर लगता है अगर उसके परिवार के बारे में पूछा तो वो भी कहीं हमें छोड़कर ना चला जाए। संदिग्ध के साथ पहली पूछताछ, 12 जुलाई की रात। यैन और अपनी लड़ाई के बारे में कुछ बताओगे? मुझे लगता है मैंने ऐसे पकड़ा था, शायद मैंने उनको मैंने यहां पकड़ा था। हाँ आगे बोलो। बहुत जोर से यहां पकड़ा। जब मैंने उसे पकड़ा तो उसने मेरी पीठ पे मारना शुरू कर दिया। मुझे बताओ येन ने अपना कान कैसे खोया? वो सब अफरा तफरी में हुआ। मुझे लगता है कि वो बाल वाला आदमी था, वो पीछे से तलवार लेके आया और उसने जोर से चलाई और उसकी आवाज सुन के मैं नीचे झुका और मुझे लगता है उसी में उसका कान कट गया। क्या तुम ये कह रहे हो कि वो एक दूसरे को मारकर चोट पहुंचा रहे थे? हाँ बेटा हाँ, वो एक दूसरे की जान लेना चाहते थे। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है, ऐसा ही हुआ था। तुमने उसे खुद को फेंकने का मौका दिया, फिर अपने हाथों का इस्तेमाल करके फिर खड़े हो गए और क्यूआई शक्ति की मदद लेकर तुम उसे मारने के लिए फिर तैयार थे। क्या हुआ?
तुमने उसके छाती पे वार किया जिससे उसका खून रुक गया और उसके शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह पूरी तरह बंद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे दिल का दौरा पड़ गया। उस आदमी ने दरवाजा तोड़ दिया और मुझे यहाँ पे लेकर के आ गया। उसने मुझे तालाब में धक्का दे दिया और मैं डूबने लग गया था। सही बता रहा हूँ, मैंने अपनी पूरी जान लगा के उसे लड़ने की कोशिश की, बस जान बचा रहा था लेकिन पानी के अंदर सांस नहीं ले पा रहा था। मुझे ये बताओ, येन कैसे मरा? वो तुम थे जो उसे तालाब तक खींच लाए। पानी के वजह से येन की मुक्के की रफ्तार कम हो गई। दिमाग पर लगे जोरदार मुक्के से या तो येन मर ही जाएगा या जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएगा। वो एक जोरदार मुक्का था, तुम चाहते ही थे कि येन मर जाए। लियू जिंगशी, किस प्रकार के मनुष्य हो तुम? मैं सी बच्चा था। सारी बातों के लिए शुक्रिया, कल मिलते हैं। कल मिलेंगे? और भी सवाल है क्या? मुझे सोचने के लिए वक्त दो। लिंगशिन ने गांव के लिए जो बहादुरी का काम किया है, इसके लिए उसके बच्चे की पढ़ाई का खर्च गांव की समिति उठाएगी। ये गांव के लिए गर्व की बात है। आयु, फांगजिंग पढ़ने जाएगा ना इस साल से? सभी बच्चों की तरह उसे भी इस साल से नए कपड़े मिलेंगे स्कूल जाने के लिए, ठीक है ना? अरे भाई रो मत, ये तो तुम्हारे लिए खुशी की बात है। धन्यवाद। असंभव, तुम तो मुझसे भी ज्यादा तेज सांसें ले रहे हो। तुम्हारे जैसे युद्ध कलाएं जानने वाले की हर एक सांस लंबी होनी चाहिए, वरना क्यूआई शक्ति पैदा करने वाली ताकत तुम लाओगे कहां से? इतनी छोटी सांसें, असंभव। लाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, दे दो। अरे जरूरत नहीं इसकी। अरे ठीक है, अरे मैं उठा लूँ। कोई नहीं सर, क्या कर रहे हो? सुनो, क्या कर रहे हो? कोई बचाओ। उसके वजन को और गिरने वाली ऊंचाई को मद्देनजर रखते हुए पेड़ की टहनियां टूट जानी चाहिए थी। पेड़ की मजबूती भी एक बात हो सकती है। अगर गिरते वक्त वो अपने शरीर के वजन को पूरी तरह अपने शरीर में फैला दे तब भी वो खुद को पेड़ से गिरने से बचा सकता है, लेकिन उसके शरीर का घनत्व उस डाली से 800 गुना ज्यादा है। जब तक वो शरीर के घनत्व को एक तरफ नहीं करता तब तक वो गुरुत्वाकर्षण को मात दे सकता है। ठीक तो हो? अगर आप आज नहीं आते तो मैं नीचे नहीं गिरता। शायद इसे कर्मा कहते हैं। वो सिर्फ एक हादसा था। नहीं नहीं
मेरे कहने का मतलब है कि ये जो अस्तित्व का कपड़ा है, ये कर्मों के धागे से बुना हुआ है। ये सब धागे आपस में जुड़े हुए हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं। उदाहरण दूं तो, अगर इस गांव में नहीं आता तो मैं आयु से नहीं मिल पाता। अगर उसका पति उसे छोड़ के नहीं जाता तो मैं उससे शादी नहीं कर पाता। अगर मैं उस दुकान पे नहीं जाता तो शायद मैं उस गुंडों से नहीं मिल पाता, और ना वो गुंडे मरते और ना आप यहां पर आते। सही मायने में कोई भी आजाद नहीं है। जब कोई एक अपराध करता है तो हम सब साथ में अपराध करते हैं। हम सब साथ में अपराधी हैं। मुझे कोई भी सबूत नहीं मिला। तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए, अब वो पूरी तरह बदल चुका है। हम यहाँ पर मुजरिमों को सुधारने के लिए नहीं आए। तो फिर क्यों आए हो? कानून की सेवा कर रहे हैं। अगर कोई कानून किसी इंसान को सुधार नहीं सकता तो फिर तुम्हें बताओ किस काम का कानून है? एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट अपने शी और दिमाग की हालत को काबू में कर सकता है। भले वो एक बदला हुआ आदमी हो, लेकिन वो अभी भी खूनी है। जिंगजो जाओ और उसका पता लगाओ। कुछ पता लगते ही मुझे आकर खबर कर दो। वैसे सुबह जू, आप कहाँ के रहने वाले हैं? विंजंग का रहने वाला हूँ। ओह अच्छा, वो तो पास में ही है ना? तुम्हारा भी गांव जिंगजो में ही है ना? काफी दूर है ना वो? तो तुम यहाँ पर किस लिए आए? या तो तुम्हें ये जगह पसंद है या वो जगह तुम्हें ना पसंद है। मैं यहाँ अच्छा लगता है। वैसे आप अपने घर तो अक्सर ही जाते रहते होंगे, वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है ना? पिताजी के मरने पर माँ ने दूसरी शादी की, तो मैं कभी कभार जाता हूँ वहाँ पर कभी कभी घर की याद आती है। सुनने में आया कि तुमने 10 साल पहले ही अपना घर छोड़ दिया, क्या तुम्हें याद नहीं आती? वापस जाने का ख्याल नहीं है? आओ। नहीं सोचा। क्या तुम ये कह रहे हो कि शाओटियन अपने दादाजी से कभी नहीं मिला? अरे खाइए ना, खाना ठंडा हो रहा है। फैंगजिंग कह रहा था कि तुम्हारे पास एक घोड़ा था पहले। ऐसा काफी कम होता है कि ऐसे परिवारों के पास अपना घोड़ा हो। कैसा घोड़ा था आपके पास? पहले मेरे पास भी घोड़ा था, लेकिन मेरे पिताजी ने उसे मार दिया। मेरे पिताजी ने देखा कि मैं अपने घोड़े से बहुत प्यार करता हूं, तो बस उसे मार दिया और मुझे उसका मांस खिलाया और मैंने बिना जाने खा लिया। और फिर उन्होंने कहा, अगर मैं अपने पालतू घोड़े का मांस खा सकता हूं तो मैं किसी भी चीज का सामना कर सकता हूं। मुझे जिंदगी में कुछ हरा नहीं पाएगा। तुम कभी ऐसी जगह पे दोबारा जाना चाहोगे?
मेरे प्यारे बच्चों, आज से आप बड़े हो गए हैं और आज से स्कूल जाएंगे, इसीलिए आज से आप हमारे राजा को समर्पित हैं। लियू काई थाई, लियू फांग जे। लियू थाई नान। जाओ लेके आओ। ओम शांति, ओम शांति। वहां जाकर अगरबत्ती लगा दीजिए। बहुत अच्छा हो गया, क्या बात है, सब कुछ अच्छे से हो गया। बच्ची खबर, अच्छी खुशखबरी है, बच्चे भी खुश। लगता है आप आगे बढ़ चुके हैं, है कि नहीं? मैं हमेशा से सोचता था तुमने अपना घर क्यों छोड़ा और अपना नाम क्यों बदल दिया। ऐसी क्या बात हो गई थी 10 साल पहले? मुझे बदलाव चाहिए था। मैंने एक छोटे बच्चे को पकड़ा था, मुझे लगा वो बच्चा सुधर जाएगा और मैंने उसे घर जाने दिया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो बच्चा अपने माँ बाप की जान ले लेगा। तुम बताओ, अगर वो भाग जाता और अपना नाम बदल लेता तो क्या वो अंदर से भी बदल जाता? मुझे तो नहीं लगता। मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। मैंने कत्ल किया है, जिंगजा जेल में 10 साल तक था और मेरा असली गांव गोंग है। मेरे पिताजी कसाई थे। एक दूसरे कसाई ने पैसे उधार लिए थे लेकिन कभी वापस नहीं कर पाया। मेरे पिता ने कहा कोई भी इंसान जानवर से अलग नहीं होता, पर इंसान जानवर से भी बदतर है क्योंकि यह जरूरतमंद है। मेरे पिता ने मुझे उसकी तलवार दे दी और उन्होंने मुझे कहा कि मैं उसे मार दूं। मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, मैं बर्फ की तरह जम गया था। मैंने उस इंसान की रोने की आवाज सुनी, उसका बच्चा जिंदा था। उस समय उसे हमीनी गांव से मुझे देख रहा था। मेरे पिताजी गलत थे, इंसान जानवर नहीं होता। लेकिन मौत की सजा तो 10 साल से ज्यादा होनी चाहिए। 10 साल पहले मैंने गलती की थी, मैं समझ गया था मुझे बदलना होगा, इसलिए घर छोड़ के एक नई जिंदगी की शुरुआत की और लियू जिंग जी बन गया। मैं सफल भी हो ही गया था। पापा, बाजार खुल गया है, चलो। हमें अकेला छोड़ दो। मान जाओ। पापा, जल्दी आओ ना, देर हो रही है। अपने दोस्त को भी लेके आओ ना। हाँ, बस अभी आया। ठीक है। जल्दी करिए। चलो, चलो, चलो।
उसके आसपास एक पवित्र ऊर्जा है। उसके शी की एनर्जी मक्खियों तक को दूर रख रही है। उसने मुझसे झूठ बोला। एक साधारण कसाई के पास इतनी शक्तियां कहां से आ सकती हैं? ये लो, मुझे भरोसा है उसे कुछ नहीं होगा। मैंने सब पता कर लिया है। जिंगजाओ में कोई भी गांव गांव नहीं है। जिंगजाओ में कोई कसाई भी नहीं है जिसका आखिरी नाम गोंग हो। लेकिन 10 साल पहले एक कसाई परिवार की हत्या की गई थी। जैंग नाम के कसाई ने पैसे लिए थे लेकिन कभी वो वापस नहीं कर पाया पैसे। उनके मांस को डबल रोटी में भर दिया और गांव वालों को खाने के लिए दे दिया था। गांव वालों ने कहा कि उन्होंने इतनी अच्छी डबल रोटी कभी नहीं खाई। तुम्हें तो इस केस के बारे में पता होगा। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। सुनो, 72 गैंग के लोग बहुत ही अनुशासित थे, बिल्कुल हमारी तरह। लेकिन 8 लाख लोगों के हत्या के बाद वो लोग इंसान से खूनी दरिंदे बन गए। वो कच्चा मांस खाते थे और हड्डियां छोड़ देते थे। भूख और बदला ही उनका धर्म था। शायद यही कर्म चक्र है। इन हत्याओं के बाद टैंग लॉन्ग जो सेनापति था वो हमेशा के लिए गायब हो गया। लियो जिन भी तो इस गांव में करीब 10 साल से रह रहा है। तो वो टैंग लॉन्ग है। तुम 10 साल के लिए गायब थे लेकिन तुम्हें जेल कभी नहीं हुई। तुमने कसाई परिवार को मारा लेकिन तुम किसी कसाई के बच्चे नहीं। तुम 72 गैंग के सेनापति थे। मुझे राजधानी वापस जाना ही होगा इसके अरेस्ट वारंट के लिए। शिवाई जो, तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? तुम यहां से जा रहे हो? हाँ जी हाँ। मुझे लगता है यहां तुम्हारा काम हो गया ना। तुम्हारे घाव कुछ जल्दी ही भर गए। डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुमने काफी जोर का वार किया था। मेरी जान भी जा सकती थी उससे। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी नहीं? क्या तुम्हारी किस्मत अच्छी है? मुझे जाने का एक शॉर्टकट पता है। चलो मैं तुम्हें दिखा दूं, वरना आज रात तक तुम अपनी जगह पे नहीं पहुंच पाओगे और ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।
बहुत कम लोग इस रास्ते के बारे में जानते हैं। तुम यहां से जाने के बाद केस बंद कर दोगे ना? हाँ हाँ ऐसे ही करूंगा। तुम्हें भरोसा नहीं मुझ पे? हम यहां से अलग अलग हो जाएंगे। बस सीधा रास्ता अपनाना और एक घंटे के बाद तुम मेन सड़क पे आ जाओगे। सीधे चलते रहना, बस फैंग पहुंच जाओगे तुम। किसका इंतजार कर रहे हो? ठीक है, चलता हूं मैं फिर। रास्ता मुझे सच में मेरे शहर की तरफ ले गया, पर उसने मुझे मारा क्यों नहीं? यो भाई जो, तुमने मेरे लिए 10 साल तक काम किया है। कैप्टन, इस बार मामला अलग है। मुझे अपने आदमी देने में कोई एतराज नहीं, लेकिन वो किसी काम के नहीं होंगे तुम्हारे लिए। उनमें से ज्यादातर तो डरपोक और बेवकूफ हैं। तुम किसी बाहर वाले को ले लो, लेकिन किसी अपराधी के लिए एक अपराधी का इस्तेमाल करना, समझ लेना कि यह आग से खेलने के बराबर होगा। युवाई जू, जो जैसा है रहने दो उसे। टैंग लॉन्ग एक कुख्यात अपराधी नहीं है, तुम्हें क्यों गिरफ्तार करना है उसे? 72 गैंग के लोग खतरनाक अपराधी हैं और टैंग लॉन्ग इस गिरोह का सेनापति रह चुका है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? लाओ। अगर तुम जज को जाकर के घूस दे भी देते हो तो भी तुम अपनी जिंदगी खतरे में डालोगे। मैं जज से जाके शिकायत कर दूंगा। तो बताइए आपको कितनी रकम चाहिए? 20 चांदी के सिक्के। क्या कहा? मुझे साल में सिर्फ 4 मिलते हैं, तो तुम्हें कहां से लाके दूंगा? बात यहीं पे खत्म होती है। अब वापस तभी आना जब तुम्हारे पास चांदी के सिक्के होंगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इस शख्स से मदद लेनी होगी। मेरी बीवी, मैं वापस कर दूंगा। मैं तुम्हारे पिता के लिए अगरबत्तियां जला लेता हूं। नहीं, जरूरत नहीं। तुम अभी मुझे दोषी समझती हो? क्या फर्क पड़ता है? मैं जानती हूं पिताजी गलत थे, लेकिन उन दवाओं से किसी की जान नहीं गई। उन्होंने अपने घुटनों पर बैठकर रहम की भीख मांगी।
पर तुमने उन्हें माफ नहीं किया। कैसे किया होगा? जो कुछ हुआ वो मेरे हाथ में नहीं था, यही कानून का फैसला है। वो सिर्फ नकली दवाइयां बेचने के आरोपी थे, उन्होंने अपनी जान क्यों ले ली? जानती हूं मैं, तुम कह चुके हो। तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी। अभी भी नहीं समझे? माफ करने के लिए तुम्हें ख्याल रखना होगा। क्या कानून सच में इंसानियत के ऊपर है? कैप्टन, क्या आपको पता है कि मुझे क्या कहा गया है? इस समय दुनिया में जो भी चल रहा है मेरे दोस्त, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं, तुम्हें इसका हिस्सा बनना होगा। ईश्वर हमारी रक्षा करना। तू सुन, मुझे कहां ले जा रहे हो? मेरा इनाम कहां है? जो भी तुम्हें कहना है मास्टर के पास जाके कहना। तो तुम्हारे हिसाब से जैंग उसी गांव में है जो तुम्हारे इलाके में है? हाँ। और तुम्हारे हिसाब से जैंग के दो बच्चे हैं, सही कहा ना? हाँ, एक तो उसका सगा बेटा है और एक उसकी पत्नी के पिछले पति से है। और ये सब तुम मुझे इसलिए बता रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मुझे टैंग की जानकारी चाहिए? हाँ। तू सुन, क्या चल रहा है ये? जवाब दो, क्यों तुम 36 गैंग के पास नहीं गए? ना ही तुम ब्लैक ड्रैगन के पास गए हो, बल्कि तुम इसके लिए मेरे पास आए हो, क्योंकि तुम्हें पता था कि टैंग लॉन्ग के साथ हमारा पुराना संबंध था। क्यों, सच कहा ना? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सर। तू सुन, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, तू सुन। बताओ इस कमबख्त को कि टैंग लॉन्ग कौन है मेरे लिए? टैंग लॉन्ग हमारे मालिक का सगा बेटा है। तुमने ये जानकारी इसीलिए दी ताकि मैं अपने बेटे की जान ले लूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या हुआ आपका? बताओ, क्या मुझे टैंग लॉन्ग को मारना चाहिए? बताओ, क्या मुझे टैंग लॉन्ग को मारना चाहिए? तुम में से कोई भी उसकी बराबरी का नहीं है, तुम में से कोई भी टैंग लॉन्ग की बराबरी का नहीं है। मालिक टैंग लॉन्ग चाहते हैं। कैसे हो? चलो आ जाओ, हम घूमेंगे। जिन शी ने दो अपराधियों को मार के
बहुत बहादुरी का काम किया है। जिनशी इस गांव का सम्मानित व्यक्ति है। जिनशी की बहादुरी, उसकी अच्छाई आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का काम करेगी। ये गांव उसकी बहादुरी का सदा आभारी रहेगा। आखिर तुम हो कौन? अपने घुटने पे बैठो, बैठ नीचे। लू जिंगशी, लू जिंगशी, मैंने कहा ना लू जिंगशी। सच बताओ, कौन हो तुम? ये सबको मार देगी क्या? ये पारिवारिक मामला है, चुप रहो तुम सब। पीछे चलो, पीछे चलो। चुप रहो। कहोगे टांग लोग नहीं हो? वापिस नहीं आने वाला। तुम जानते हो उन्हें तुम्हारी जरूरत है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे।
हाँ तुम ही हो। पानी लाती हूँ। बड़े साहब ने हमें सलाह दी है कि हमें जंगल में जाके छुपना चाहिए, इसीलिए सामान बांध रही थी। वैसे काफी सामान मैंने बांध लिया है। अच्छा है। क्या मतलब है? मैं तुम लोग के साथ नहीं चल सकता हूँ। तुम भी समझ लो, हम अकेले नहीं जाने वाले। सुनो, हमें यहाँ से दूर जाकर एक नई जिंदगी शुरू करनी होगी। इस सब का कोई फायदा नहीं, समझो बात को। ऐसा कैसे बोल सकते हो? शांत हो जाओ और पानी पी लो। देखो, तुम इस तरह की बातें मत करो, और हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी, तुम समझो बात को। मुझे लियो जिंगजी बनाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं लियो जिंगजी नहीं हूं। जिंगजी, उस दिन तालाब के पास
जिससे तुम मिले वो मैं ना होती। तो क्या तब भी तुम रुकते? मेरे बच्चों को छोड़ दो, मेरे बच्चों को छोड़ दो, मैं तुम्हारे सामने भीख मांग रहा हूँ, मेरे बच्चों को छोड़ दो, मेरे बच्चों को छोड़ दो। मुझे माफ कर दो, यहाँ पर ये जरूर उस बहत्तर गैंग के लोगों का काम है। सब खत्म हो गया। अगर हम टैंगलोंग को पकड़ भी लें तो भी उसके लोग यहाँ पे फिर हमला करेंगे। ऐसा करने से कुछ भी रुकने वाला नहीं है। अगर वो लोग गैंग वॉर में खुद को मार लें तो ही हमारे और लोगों के लिए अच्छा होगा। क्या मतलब है कि खुद को मार दे? उस आदमी को किसी भी हालत में फांसी होने ही वाली है। जू भाई जाओ, आखिर तुम चाहते क्या हो? वादा किया था ना? क्या ये टैंगलोंग है? बहत्तर गैंग का इंतजार कर रहा हूं, वो लोग वापस आएंगे। सुनो मेरी बात, हमें पास में छुपके इन्हें लड़ते हुए देखना चाहिए। नहीं, हम सभी को रुकना चाहिए। बिल्कुल नहीं, तुम चाहो तो रुक जाओ, हम लड़ाई खत्म होने के बाद वापस आएंगे। हा? अब चलो सब लोग यहां से। सुनो,
उस दिन जंगल से जब हम जा रहे थे तो तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? तुमने वादा किया था कि नहीं आओगे, और तुमने भरोसा कर लिया? हाँ किया। अयु ने मुझे एक बात कही थी, उसने कहा था कि शुभा जो एक बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसको ये बात पता नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब खत्म होने के बाद मैं तुम्हें कोर्ट में ले जाऊंगा। इंसानी शरीर काफी जबरदस्त है, किसी को भी धोखा दे सकते हैं। हम तुम्हारे शरीर से उन्हें धोखा देंगे। टैंगलोंग, तुम्हें मरना होगा। मरने के तीन चरण होते हैं, बेहोशी, अंगों का रुकना और फिर पूर्ण मृत्यु। पहले चरण में हम मृत जैसे लगते हैं, ज्यादातर लोग यही धोखा खा जाते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इस पहले चरण में जाओ। पहले चरण में तुम कोमा में रहोगे, लेकिन हर कोई तुम्हें मरा हुआ समझेगा। ये तो मर गया। लेकिन 72 गैंग को धोखा देने के लिए तुम्हें अपने शरीर के साथ और भी खतरनाक दूसरे चरण में जाना होगा। जब वो लोग आएंगे, मैं तुम्हारे शरीर में गर्दन की नसों को इस तरह दबाऊंगा कि तुम्हारे दिल तक खून नहीं पहुंचेगा और तुम दूसरे चरण में पहुंच जाओगे। तुम्हारी सांसें और नब्ज बंद हो जाएंगी, मृत्यु के और करीब पहुंच जाओगे। तब तुम्हें बेचैनी और घबराहट होगी, तुम कुछ भी महसूस नहीं कर पाओगे। तुम इस हालत में 15 मिनट तक रह सकते हो, लेकिन अगर मैं समय पर तुम्हें वापस नहीं ला पाया तो मेरे दोस्त मुझे माफ करना, तुम सच में मर जाओगे। इसीलिए पीछे हटिए। किसी ने टैंगलोंग को मारा है। से टैंगलोंग का बेटा कौन है? मुझे बताओ, तुम में से टैंगलोंग का बेटा कौन है? उसका नाम शाओटियन है, 4 साल का है वो। Thank you.
मैंने टोंग लैंग का खूनी हाथ तुम्हारे गिरोह को वापस कर दिया है। अब मैं तुम लोगों में से एक नहीं हूं। तुमने एक औरत को चुना, एक बच्चे को चुना अपने परिवार के ऊपर। हमारा भाई तैंगलोंग अब मर चुका है। हमारा भाई तैंगलोंग अब मर चुका है। हमारा भाई तैंगलोंग मर चुका है। लेकिन अभी भी तुम्हें मास्टर को जवाब देना होगा। वो तुम्हारा घर पे इंतजार कर रहे हैं। चलो। लकड़ी की काठी काठी पे खोरा, घोड़ी की तुम पे जो मारा। बहुत खूब, फिर से गाओगे? दादाजी को पसंद आया। लकड़ी की काठी काठी पे खोरा, घोड़ी की तुम पे जो मारा हथौड़ा। दादाजी को पसंद आया तुम्हारा गाना। घोड़ा तुम उठा के दौड़ा, लकड़ी की काठी काठी पे। बहुत खूब, तुम्हें हर रोज दादाजी के लिए गाना गाना चाहिए। जो मारा हथौड़ा दौड़ा 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 घोड़ा। पापा पापा, ये क्या हो गया? अब मैं आपका गुलाम नहीं हूं। सब लोग आ गए हैं, सब लोग यहीं पर हैं। चलो खाना खाते हैं। जब तुम्हारे पिताजी छोटे थे वो बिल्कुल मेरी तरह दिखते थे, खास तौर पर जब वो गुस्से में हो। मेरी इतनी बुरी प्रतिमा अगर ये खो जाए तो लोग मेरे पास छोड़ जाते थे। और अब इसे देखो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। लेकिन मेरा पोता बेटे से भी ज्यादा पसंद करता है। बीन्स काफी अच्छे बने। शाओजिन, बीन्स खा लो,
ये लो। बीन्स खाओगे मोटे होगे, नहीं खाओगे पतले होगे। मैंने तुम्हें गाना गाने नहीं कहा। बीन्स खाओगे मोटे होगे, नहीं खाओगे। मैंने तुम्हें गाना गाने नहीं कहा। बीन्स खाओगे मोटे। अपना गाना बंद करो। बच्चों को जो कहा जाए वो उसे सुनना चाहिए। जब तुम्हारे पिताजी छोटे थे वो नहीं चाहते कि मैं दूर जाऊं। एक बार मैंने देखा कि घर के सामने वाले पेड़ के सारे पत्ते झड़ चुके थे। मैंने उसे पूछा क्या हो गया, तो उसने कहा कि मैंने उससे वादा किया था कि जब सारे पत्ते झड़ जाएंगे मैं वापस घर आऊंगा। इसी कारण उसने पेड़ के सारे पत्ते खुद ही गिरा दिए। फिर उसने कहा कि पत्ते तो कब के झड़ चुके थे, फिर भी आपने इतनी देर क्यों कर दी। और आखिर में मैंने वो पेड़ चला दिया। नफरत करता था मेरे बेटे को निराश करने के लिए। नफरत। और उसके बाद मैं जब कभी अपने बेटे के साथ बाहर घूमने जाता था वो कहता पेड़ तो अब चला गया तो आप घर कैसे आओगे। मैंने अपना हाथ आपके लिए काट दिया। अब हमारा कोई संबंध नहीं। मैं तुम्हें जाने दूंगा, मैं एक ईमानदार आदमी हूं। लेकिन जब कोई एक जाता है तो दूसरा आता है। जो तुम्हारा खून है अब वो मेरा भी है और उसका भी खून अब मेरा ही होगा।
उसके पैरों में सुई लगी हुई है, मुझे एक और लानी होगी। भगवान ने तुझे मेरा बेटा बनाया, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारी मौत का जिम्मेदार मैं नहीं हूं। और अंत में मनुष्य अपने भावनाओं को काबू में नहीं कर सकता।
18 अक्टूबर 1917 की रात को वो तहकीकात पर रोक लग गया। बच्चों और सूप या चावल लोगे? सूप? आराम से खाओ। जिंशी, जिंशी, रात को जल्दी आना।